ये है मजा टर्बो अगर आप ले रहे हो। साउंड अब सुनो। एप्पल है तो लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गाड़ी का पूरा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये पूरा स्मार्ट बन गया। अभी इसके आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे मैप भी लगा सकते हो, गाना भी सुन सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि होम 13 मिनट्स, यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे को डायरेक्ट घर का डायरेक्शन दिखा देगा। वाह, और ये देख लो पन्नी भी अभी तक नहीं उठा, तो सोच लो 6 साल में गाड़ी में क्या हुआ है, आप खुद सोचो। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कितने ईयर पे जाते थे? 19 में इस पे शायद 4 एयरबैग्स तो होंगे ही होंगे। फोर तो है लेकिन बाकी दो कहाँ है वो तो मेरे को। अच्छा ठीक है, यहाँ सामने। पे तो, यहाँ हाँ पे तो ये दो तो मैंडेटरी है, हाँ फिर यहाँ पे भी है हाँ ये सी सब पिलर एंड होगा। डी पिलर में होगा। हाँ ओके, तो जो स्टेरिंग माउंट कंट्रोल है वो क्या यूज़फुल है क्या? ये सब बटन्स। हाँ हाँ यहाँ पे तो क्रूज का बटन से हाँ क्रूज का क्रूज आपका कंट्रोल आता था उस समय, क्रूज उस समय कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का बहुत हाइप था। हाँ क्रूज कंट्रोल तो यहीं से हो जाता है और इंफोटेनमेंट का सब कुछ यहाँ से होता है, वो भी अच्छा फीचर ये है। यहाँ पे मैं रेगुलरली इसी यूज करता हूँ, वहाँ ओके पे हाथ कौन लेगा यहाँ से जब सब कुछ कंट्रोल हो रहा है हाँ, तो ये सारे चीज़ अगर आप देखते हो ना तो आप सोच रहे हो कि कितना मेंटेनेंस आता होगा, तो मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बता दो। मेंटेनेंस इसका सर्विसिंग का जो है इंजन ऑयल का चेंज होता है, अच्छा फिर कितना किलोमीटर में कराना पड़ता है? किलोमीटर। देखो ये हमारा तो किलोमीटर ज़्यादा चलता नहीं है हाँ तो हम लोग क्या करते हैं मंथली बेसिस पे कर लेते हैं, तो मंथली बेसिस पे कितना छः खर्चा होता है? महीने 7 महीने ऐसे में एक बार करवा ही लेते हैं। अच्छा तो कितना? तो तब इंजन ऑयल का पकड़ लो 3,000 रुपीज़ जैसा जैसा आता है, अच्छा फिर और ये वो करके थोड़ा बहुत यहाँ पे सनरूफ है, सनरूफ पे भी यस, वो करना पड़ता सनरूफ है। भी आता था एंड उस समय हाइप था सनरूफ का भाई 19 में। यहाँ पे थोड़ा वो सनरूफ का वो ऑयल देना पड़ता है अच्छा ताकि ये फ्रीली खुले हाँ, और लगे, मोटर वगैरह वर्क करे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम अभी नेक्सॉन पे आ रहा है कि सनरूफ लगाते वक्त यहाँ पे एक सेंसर रहता है अच्छा जो कि मतलब एंटी पिंच बोलते हैं, अच्छा अगर किसी का हाथ बाहर हाँ रह गया तो इस पे टच करके वापस वापस पीछे चला चला जाएगा। जाएगा। हाँ नेक्सॉन पे इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, सनरूफ खोल तो लोगे लगाते वक्त वो सेंसर थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण सनरूफ लगना नहीं चाहता है, तो आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ेगा ऐसे करके। ये एक मैंने बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखा है नेक्सॉन पर, मेरा दोस्त का ही है उसका गाड़ी पे मैंने देखा है। और और अगर पावर की बात करें तो नेक्सॉन में पावर कम है कम है कम है कंपेयर टू इसमें। स्पोर्ट्स, नेक्सॉन का स्पोर्ट्स मोड में भी कम है इस उफ, पे पावर, अच्छा और इस तो पे तो मोड वोड कुछ था नहीं, जो था है नहीं, रॉ है, रो है सिर्फ पूरा। ABS दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ABS नहीं है, कुछ नहीं है इस पे, तो मतलब वाह, चलाते हाँ वक्त बहुत मजा आता है इसे। हाँ वो सब रहने के बाद गाड़ी मतलब अपने कंट्रोल में रहता है। हम वही मतलब फन टू राइड नहीं हो जाता है उसके बाद, खत्म हो जाता है फन टू राइड। ओके, तो ये एसी वगैरह अभी भी प्रॉपर काम कर रहा है? हाँ एसी का प्रॉपर काम कर रहा है, अभी तक गैस वैस कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, प्रॉपर एंड चिल कर रहा अच्छा है। ये कितना है, 1 लीटर या फिर 1.2? 1 लीटर, 1 लीटर है ना। वन अच्छा लीटर 1 लीटर में टर्बो टर्बो। आता था ना उस समय? हाँ 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 अच्छा 1.2 पे टर्बो नहीं आता। अच्छा टर्बो हम लोग दिखाएंगे भाई, क्या पंच देता है टर्बो। इसका टर्बो मुझे सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया टर्बो लगा। एंड सिक्स गियर के साथ आता है ना? सिक्स गियर, यस, देख लो। गियर जितना ज़्यादा होगा ना उतना आपको चलाने में मतलब अच्छा गियर एक मिल सकता है। अच्छा जैसे कि अगर सिटी पे चला रहे हैं तो 1 और 2 पे मैं चला लेता हूँ, ओके और गियर अगर कम रहता है तो क्या होता है कि 1 से आप 2 जब लाओगे तब लगेगा कि ज़्यादा बड़ा गियर हो गया है, फिर से हाँ, 1 पे लेना वन पे पड़ेगा। लेना इस पे पड़ेगा। क्या होता है सेकेंड गियर पे रख के भी मैं जाम पे चला लेता हूँ आराम से। हाँ अच्छा ट्रैफिक वगैरह में इजीली चल जाता है, हाँ बंद बंद नहीं होता है ना। ठीक है, बिल्कुल। एंड कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। एज ए राइडर कितना कंफर्ट है इसको राइड करना, ऑफ रोडिंग वगैरह एंड सिटी वगैरह दोनों देखो मिला के? ये प्रॉपर तो ऑफ रोड के लिए बना नहीं है, लेकिन ओके अभी जैसे कि हम लोग आए हैं इन सब का जगह देख लो, थोड़ा बहुत उबर खाबर है, ओके इजीली चल जाएगा, एंड मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है इस पे। हाँ एंड अगर बात करें हाफ लॉन्ग गए थे तो हाफ लॉन्ग का रोड तो बाप रे बाप बहुत उसमें भी ज़्यादा हम है, लोग आराम से गए थे, मैं पूरा फैमिली के साथ गया था उस समय, तो कोई इजीली हम लोग पहुंच गए उतना कुछ थे, इशू नहीं लगा ना? उतना कुछ इशू नहीं था। ओके तो ग्राउंड अच्छा क्लियरेंस मेन है, ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउउंड क्लियरेंस का भी इतना कुछ इशू नहीं हुआ, जस्ट 2-3 बार बॉटम टच हो गया था, क्योंकि क्या होता है कि बीच पे ऐसा पहाड़ जैसा बन हाँ जाता हाँ है वही वही रास्ते का, तो उस टूट समय जाता है 2-3 बार लग गया था नीचे, नीचे। समझ रहा हूँ मैं।
ओके तो अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर मार्केट जो काम करवाया था ना बाहर दिखा दिया था, अंदर जो बोल रहा था ना मैं दिखाना है अंदर, तो वो देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या काम हुआ है। ओके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एम्बियंट लाइट मैंने लगाया है, यहाँ पे ब्लू कलर ब्लू आ रहा है, इसका मैं पावर भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसका पावर सबसे मिनिमम पे रखता हूँ ताकि रात को कोई प्रॉब्लम ना हो, जस्ट नीचे से एक सडल सा एक लाइट आ जाए बस। हाँ देखने में कूल लगता है ना। And... इसमें बहुत सारा कलर्स भी है, आप ये रिमोट देखोगे तो समझ जाओगे ये सारे कलर्स है, फिर अलग अलग मोड्स है, फिर गाने के हिसाब से भी ये डांस करता है, वही बात है डिस्को वाला। अच्छा तो ये कितना का पड़ा था ये एम्बियंट लाइटिंग? ये भी ऐसे 1200 रुपए जैसा, 1200 रुपए जैसा ना। अच्छा ये जो आप देख रहे हो कर्टेन, ये कितना का पड़ा? 1200 रुपए ना, ये 1500 का, मतलब चारों लेके? हाँ चारों 1500 का है, और डिक्की वाला अलग से 300 रुपए का था वो वाला। अच्छा। तो ये वाला जो चीज है ये गाड़ी को बाहर से पूरा जेड ब्लैक बना देता है, जेड ब्लैक और सनसेट से भी बचा देता है, बहुत ज्यादा बचाएगा, सन से भी बचाता है, फिर जेड ब्लैक जैसे बना देता है गाड़ी, थोड़ा सा कूल लगता है ये वाला लगा के देखने में। अच्छा उस समय क्या मतलब टॉप मॉडल लेना था ऐसा कोई प्लान था या फिर मतलब... नहीं बजट में आ रहा था, 10 लाख के नीचे लेना था, 10 लाख के नीचे आ रहा था बजट पे तो ले लिया ये वाला। ओके अच्छा इसका सनरूफ को भी इशू किया है क्या? इसका सनरूफ कोई इशू नहीं है, ऐसे करूंगा अभी भी खुल जाएगा वन टच पे, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिया है ना। ये और भी खुलेगा, वाओ। एंड सनरूफ होने का फायदा तो बहुत है, डिसएडवांटेज भी बहुत है, तो इसका डिसएडवांटेज अभी तक मेरे को मिला नहीं, जस्ट मेंटेनेंस पे क्या होता है थोड़ा 200-300 रुपए का ज्यादा खर्चा आता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा। जस्ट यहाँ पे साइड पे आप देखोगे तो ल्यूब लगाना पड़ता है इन सब जगह पर, वही एक्स्ट्रा है, और तो ऐसा कुछ नहीं है ना खर्चा, वो तो कोई खर्चा ही नहीं है इसका। तो लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरे को अभी तक इसका एक भी डिसएडवांटेज दिखा नहीं है। ठीक है वही है क्योंकि महिंद्रा का तो लीक कर रहा है सनरूफ। नहीं लीक क्यों करता है मैं दिखाता हूँ, ये सनरूफ का सामने का यहाँ पे एक रबर का चीज है, ये वाला हाँ, आप जब खड़ा होके यहाँ पे जब प्रेशर दोगे ना, ये रबर का सील उठ जाता है, और तब जब आप लगा दोगे तो आधा जगह का रबर का सील निकला हुआ रहेगा, और ऊपर से अगर आप झरने का नीचे जा रहे हो तब तो यहाँ से पानी लीक करके अंदर आएगा ही। उसके लिए बहुत हेट मिला था महिंद्रा को, पर समझना चाहिए लोगों को कि क्या रीजन था। ओके कंफर्ट वगैरह काफी सही है, एंड पीछे वगैरह में बैठ के दिखाऊंगा, 12 बंदे भी इजीली बैठ सकते हैं, मेरा हाइट है 5.7 एंड मैं आराम से बैठा हूँ पीछे। इस पे आपका वो भी आता है ऑटो, हाँ इसमें ऑटो सेंसर है, ऑटो हेडलैम्प। हाँ ऑटो हेडलैम्प है, मतलब आप ऑटो पे रख दो, जब रोशनी आएगा तब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा सेंसर, ये रहा। जब अंधेरा होगा तब ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, मेरा गैरेज के अंदर पूरा अंधेरा है, गैरेज के थोड़ा सामने जाए तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। वाओ एंड वाइपर भी, वाइपर ऑटोमेटिक है मैनुअल है? अच्छा वाइपर मैनुअल है। ओके तो अभी तक गाड़ी ने कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिया, बड़ा दिक्कत कुछ नहीं दिया? नहीं गाड़ी पे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाई तो है 16,000 चलाई तो बहुत कम है, तो दिक्कत देने का बात भी नहीं है, वही तो बहुत ही कम चलाया गाड़ी। एंड और क्या बात करें, भाई ने बता दिया कि क्यों नहीं लिया नेक्सॉन वगैरह पे, क्यों नहीं गया, मैनुअल ही लेना था। इस पे ऑटो डिमिंग का फीचर नहीं है, लेकिन मैनुअल डिमिंग का है, ऐसा अप डाउन करोगे तो डिम हो जाता है पीछे का लाइट जो भी है। हाँ तो होप सो हमने हर एक चीज के बारे में बात किया है, तो अगर हम कुछ मिस कर रहे हो तो आप बताना और एक वीडियो लेके आएंगे। एंड मैं आपको बाहर बोल रहा था सारा येलो लाइट को मैंने व्हाइट कर दिया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ ये जो आता है ना ये भी येलो आता है? हाँ ये सब येलो आता था तो मैंने इसे व्हाइट करवा दिया, ऐसा भी जल जाता है ऐसा भी जल जाता है। वाओ सही है, पीछे वाला भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक लैंप है। फैमिली के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कार आप मान सकते हो अगर आप वेन्यू प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि अब मुझे ऐसे भी बंदे मिले हैं कि उनको ह्यूंडई गाड़ी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, रीज़न मुझे नहीं पता, पर ठीक है सबका अपना अपना पसंद है। एंड और एक चीज़, अगर अगर इस वीडियो के थ्रू से अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है ना तो आप कमेंट पर ज़रूर बताना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है छोटा सा एक रिव्यू लेता हूँ मैं। एंड अगर आपको आइडिया लेना है ना क्या गाड़ी कैसा है कैसा चल रहा है तो आप ले सकते हो, देखो ये 6 साल अराउंड 5 ईयर्स पुरानी गाड़ी है, ठीक है अभी भी मक्खन चल रही है, एंड भाई स्क्रैच लेस गाड़ी है, मतलब चलती नहीं है, बस सिटी पे दौड़ती है, कभी कभार रेयरली बाहर जाती है लॉन्ग राइड पे। तो उस हिसाब से देखोगे तो इतना कुछ ज़्यादा इसमें बताने को है नहीं, एंड अगर कुछ बहुत हाई रनिंग वाला गाड़ी रहता है तो बहुत कुछ निकलता है। मेंटेनेंस के बारे में अगर बात करें तो मेंटेनेंस भी कुछ कहाँ कहाँ ज़्यादा आ रहा है,
गाड़ी तो चला नहीं है ना, तो इसके चलने के हिसाब से लोग मेंटेन करते हैं, सर्विसिंग वगैरह करते हैं, पर अगर इंजन ऑयल ही बस अगर करवाना है तो 2500 से 3000 के अंदर हो जाता है, हो जाता है। ओके okay, तो देख लो अभी इंजन ऑयल भी तो आपके ऊपर है ना, आप अगर कॉस्टली वाला लगाओगे तो वो भी आपके ऊपर है। एंड गियर वेल वगैरह तो बहुत रेयरली देना पड़ता है, वो इतना फ्रीक्वेंटली डालना नहीं है, बस आप इंजन ऑयल वगैरह आप चेक करते रहो। एंड हाँ, और एक चीज, क्लच वगैरह इसका कैसा है वो बता दो। तो क्लच बहुत सॉफ्ट है इसका, हैरियर से भी इस पे क्लच बहुत सॉफ्ट है। वाओ, हैरियर से भी सॉफ्ट, हैरियर थोड़ा बड़ा गाड़ी है ठीक है उसके हिसाब से, पर एंड स्टीयरिंग भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे है ऐसा अप डाउन हो जाता है तो सही है। शुगर सॉस ओके। तो बॉयज यहाँ पे एक आप है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट गियर पे रखा हुआ है, मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा, ये क्लच के ऊपर आराम से चल जाएगा। देखो देख लो, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, गाड़ी उतर रहा है। अगर मेरे को लगता है कि एक्सेलरेटर जरूरत है तब मैं दूंगा, लेकिन ये देखो ये फर्स्ट गियर पे लगा, मेरा एक्सेलरेटर भी नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक उतर रहा है। वाओ, तब तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है चीज है। अभी पुराना गाड़ी पे ये होता था कि एक्सेलरेटर छोड़ोगे तो स्टार्ट ऑफ हो जाता था, आपको क्लच छोड़ोगे तो स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, आपको एक्सेलेटर देना ही है, इक्वली देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप क्लच छोड़ोगे गाड़ी अपने आप आगे जाना शुरू कर देगा। ये बहुत अच्छा एक चीज है, जाएगा जाएगा आराम से। अच्छा, तो माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं, माइलेज कितना का? माइलेज अब हाईवे पर ये अराउंड 13.5-14 भी टच कर लेता है कभी कभी। अच्छा, अप्रोक्स कितना, मतलब एवरेज बता दो। और अभी अगर मैं दिखाता हूँ तो, अच्छा मीटर पे कितना दिखा रहा है वो देख लो एक बार। मीटर पे भाई, मीटर पे तो बहुत कम दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? हाँ, होता है वो कभी कभी गाड़ी चलने के बाद। अभी जैसे कि गाड़ी बहुत समय तक फर्स्ट गियर पे चल रहा था ठीक है, इसलिए अभी 9 दिखा रहा है। अच्छा, 9 दिखा रहा है। और अभी अगर एवरेज रियल टाइम में देखूंगा तो ये 16 दिखा रहा है। अच्छा, अभी मैं एक्सेलरेट करूंगा तो कम जाएगा दोबारा से। नहीं, 10 पर आ गया है। नहीं, वो मीटर का अगर छोड़ के बात करें तो एवरेज कितना? एवरेज ऐसा मिल रहा है 12 जैसा मिल रहा है, 12-13 का 12-13 मिल रहा है विद टर्बो। विद टर्बो ओके। अभी मैं टर्बो आपको फिल करवाऊंगा। हां, टर्बो देखेंगे। अच्छा, टर्बो फिल करने से पहले और एक चीज, नेक्स्ट क्या प्लान हो रहा है, कुछ प्लान हो रहा है या फिर अभी नहीं, लेट हो या फिर अगर नेक्स्ट, अभी तो गाड़ी तो है ही। हां, अभी नेक्स्ट अगर मैं अगर कभी बात किया तो वो मैं ईवी का ही बात करूंगा। ओके, ईवी, बिकॉज घर पे ईवी नहीं है, डीजल है पेट्रोल है दोनों गाड़ी है, ईवी नहीं है। ईवी नहीं है तो नेक्स्ट ईवी। अच्छा, कौन सा ब्रांड रहेगा नेक्स्ट? नेक्स्ट अगर ईवी का लेना हुआ तब मैं नेक्सॉन। ओके, नेक्सॉन लूंगा। चलाया था? नहीं, अभी तक तो ईवी अभी तक मैंने एक भी नहीं चलाया। ओके, लेकिन नेक्सॉन का मेरा बहुत मन है। ओके, क्योंकि लुक्स इसका बहुत बढ़िया बनाया है भाई। सो गाइस, रिवील हो चुका है, केपी ब्लॉक सिल्चर नेक्स्ट ईवी प्लान कर रहा है। स्पैम। ओके, तो अब हम टर्बो एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि हम लोग हाईवे पे फूटने वाले हैं ठीक है। Are you guys ready for the turbo? Yes, I am ready, bhai. Okay. यहाँ पे आप है, फिर भी मैं यहाँ पे turbo आपको दिखाता हूँ। Okay. ये देखो। Bhai. This is the advantage of turbo, man. अगर आप turbo engine ले रहे हो ना, आपको ये fun करने को मिलेगा। Bhai साहब। Second gear पे ये 100 के ऊपर जाता है। Oh. तो ये है मजा टर्बो अगर आप ले रहे हो। साउंड आप सुनो भाई। बहुत मजा है भाई इसका टर्बो, भाई बढ़िया है, बहुत सही है टर्बो। ओके, अच्छा इसका कंट्रोलिंग वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है, अभी मैं दिखाऊंगा इसका सेकंड गियर पे कितना जाता है। ओके, चलो सेकंड गियर चेक करेंगे कितना जा रहा है। और एक चीज, इसमें टर्बो एक्टिवेट करना नहीं पड़ता है ना? नहीं, ये 2500 आरपीएम के ऊपर जाने से ही हो जाता है। सेकंड गियर पे आपको मैं दिखाता हूं स्पीड कितना जाता है। आरपीएम लिमिटेड तक ये
झट से चला जाता है। हाँ। लिमिटर पे जाके छोड़ देता है, छोड़ देता है। तो यही था टर्बो का मजा। अगर आप टर्बो सोचते हो ना, टर्बो क्या है, क्या है, वही है। आफ्टर सम आरपीएम, एक आरपीएम फिक्स रहता है, उसके बाद टर्बो एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कोई यहाँ पे आपको ऑफ ऑन करने का, ये बिना टर्बो पे चल रहा है, अभी ये नॉर्मल है। फ्यूल कंजम्पशन भी हो रहा है आपको अगर चलाना है। आप सिटी पे चलाओगे तो 2000 आरपीएम के नीचे ही चलाते हो मैक्सिमम समय, और जैसे ही ये 2000 आरपीएम के ऊपर जाएगा, 2500 आरपीएम, तो टर्बो अपने आप हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, सही है भाई। और इसी जगह पे अगर कोई हैचबैक गाड़ी होता तो गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेट होता, बहुत ज्यादा ना, ठीक है। लेकिन इस पे ये सब कुछ नहीं है, मतलब फन टू राइड, फन टू राइड है टर्बो। तो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज रफली एक बता दो। तो डिसएडवांटेज इस पे तो एक ही चीज था, इसका लाइट, हेडलाइट, वो थोड़ा कम पावर का था, तो मैंने HID बिठा दिया। ओके, बहुत ज्यादा पावर देता है अभी। और उसके बाद अगर कुछ डिसएडवांटेज लगा मेरे को, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को डिसएडवांटेज इस पे। हाँ, एक चीज है, लॉक करते वक्त, लॉक करने के बाद अगर ऐसा होता कि ये मिरर जो है वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता। अच्छा। तो वो एक अच्छा फीचर होता। होता नहीं है ना इसमें, इस पे होता नहीं, ऑटो फोल्ड इस पे आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता है। ये यहाँ पे प्रेस करोगे तब जाके ये फोल्ड होगा, होता है। अच्छा। फिर से प्रेस करोगे तब जाके ये खुलेगा। ओके, वो अगर ऑटोमेटिक वाला हो जाता तो बढ़िया होता। ओके, अब एडवांटेज बता दो, मतलब इतने समय तो हम लोग एडवांटेज ही बात कर रहे थे। वही वही वही, अभी एक और चीज देख लो, हम लोग स्पीड ब्रेकर के ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा कुछ फील भी नहीं, फील नहीं हुआ क्योंकि इसका टायर बहुत ब्रॉड है। फिर स्टॉक पे इसका हॉर्न भी बहुत स्मूथ सा दिया है। सही है, बहुत बढ़िया हॉर्न दिया है इसमें। तो एडवांटेज, एडवांटेज बहुत सारा है, पूरे वीडियो में हम लोग एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे। तो यही है कुछ। एंड अगर वापस में बोल रहा हूँ, अगर हम लोग कुछ मिस कर रहे तो आप कमेंट करो, कमेंट करो, हम लोग लाएंगे नए वीडियो, ठीक है। पक्का लाएंगे। हेरियर अगर मिला, हेरियर अगर मिला तो वीडियो लाएगा पक्का। अभी नेक्स्ट इस पे मॉड करने का मेरा जो प्लान हो रहा है वो एलॉय व्हील्स का हो रहा है। इसका टायर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, खत्म नहीं, बहुत बाकी है अभी भी, बहुत बाकी है फिर भी। फिर भी मेरे को मतलब माने कि टायर जब खत्म हो जाएगा तो मेरे को एलॉय व्हील लगाना है इसमें, ठीक है, नया टायर के साथ। नेक्स्ट जब मैं एलॉय व्हील्स लगाऊंगा तब इसमें मैं लो प्रोफाइल व्हील्स लगाने वाला हूँ, मतलब टायर का जो सेक्शन है वो बहुत छोटा रहने वाला है, लेकिन एलॉय बहुत बड़ा रहने वाला है। लेकिन ऊपर क्या आएगा, ऐसा साइज का लगाऊंगा ताकि वो गाड़ी से भी ना निकले। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड करते हैं। कब से मैं सोच रहा हूँ वीडियो को एंड करूँ, पर कोई ना कोई चीज निकल के आ ही रहा है दिमाग में, तो बात करते जा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एवरीथिंग हमने बात कर लिया। एंड ये रिस्की है मैन, ये सारी चीज रिस्की है, ये आप मत किया करो, ठीक है। ओ भाई, तो हम लोग टर्बो का मजा ले रहे हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और किसी नेक्स्ट न्यू गाड़ी के साथ। वैसे मैं ये फोर व्हीलर पे नया आया हूँ, तो थोड़ा अगर कुछ कहीं यहाँ वहाँ निकल रहा हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देना, गलती से इधर इधर निकल रहा हूँ तो मान के चलो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो कैन करते हैं, मिलते हैं कभी और किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, पीस आउट एंड राइड सेफ, क्योंकि हम लोग देखो सेफली राइड कर रहे हैं, देख रहे हो। सो वही राइड सेफ, राइड सेफ, राइड सेफ।